दोस्तों एकदम चिंगड़ी मछली और मिक्स मछली पूरा बनावल है। पूरा रसमलाई पूरा भरा हुआ है। गरई है? हाँ, ये पोठिया है। अरे पोठिया है और उधर वाला सिंघी सरिया सरिया पूरा रख दिए हैं। देखिए क्या ही मस्त दिख रहा है। कैसे दे रहे भैया? मेरा मुर्गा 160 रुपए किलो है सर। इतना दिया जा रहा है? कहाँ है इतना काम? क्या करे, बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता है ना, धंधा है क्या? तो दोस्तों देखिए 5-6 किलो का मछली, क्या ही पूरा कितना बड़ा बड़ा मछली है। देखिए यहाँ पर 150 से स्टार्ट आएगा ये बाजार। एक कौन जगह आना होगा आपको खरीदने के लिए? बीआईटी मोड ना बाजार में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, मैं हूँ आशु। दोस्तों आज मैं आया हूँ रांची से 15 किलोमीटर की दूरी में बीआईटी बाजार। यह बाजार दोस्तों रास्ते के किनार में ही लगता है और यह बाजार साप्ताहिक बाजार है। तो चलिए दोस्तों इस बाजार का हम लोग शेयर करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस बाजार में क्या कुछ मिलता है। और दोस्तों अगर आप लोग खाने पीने के शौकीन रखते हैं तो इस बाज़ार में आके खा पी सकते हैं। जैसे कि हो गया मीट, हो गया मछली, हो गया और मुर्गी मीट और खसी मीट आप लोग यहाँ पर आके खा पी सकते हैं। और दोस्तों अगर इस बाज़ार अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बूटी मोड़ से 3 किलोमीटर की दूरी में यह बाज़ार लगता है। और अगर रामगढ़ से आइएगा तो रामगढ़ से 28 किलोमीटर की दूरी में यह बाज़ार लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस बाज़ार आना कैसे है यह तो मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं अभी यह बाज़ार आप लोगों को एक्सप्लोर करके बताता हूँ। यह बाज़ार यानी कि 3-3:30 बजे से लगना पूरा स्टार्ट हो जाता है, भरपूर पूरा भीड़ हो जाता है। और अभी तो उतना आदमी नहीं दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर बैगन है और बोदी है। देखिए बैगन है, ये भाटा भाटा है कि कान है, और यह है बोदी। कैसे भाटा? 40 रुपये किलो। और बोदी? 50। और ये लौकी? 50। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये किलो मिल जाएगा लौकी। और ये फूलगोभी है, देखिए फूलगोभी। आप ही कहाँ है फूलगोभी? नहीं है। देखिए यहाँ पर टमाटर है छोटा छोटा। और दोस्तों देखिए ये बाज़ार बहुत बड़ा लगता है। और पूछते हैं ये बाज़ार कौन कौन दिन लगता है। और यहाँ पर देखिए खीरा है, फिर बंधा गोभी है, करेली है, बोलते हैं खीरा है। देखिए बंधा गोभी कैसे? बंधा गोभी 50 रुपये किलो। देखिए 50 रुपये किलो बंधा गोभी। और मरचा है यहाँ पर कैसे? मरचा 30 रुपये हुआ, 100 रुपये किलो कि 90? 120 रुपये किलो। देखिए मरचा है 30 रुपये पौआ। इधर देखिए घंघरा बोदी है यहाँ पर ही। कैसे घंघरा बोदी? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। और इधर है लौकी, कैसे लौकी? लौकी 50। देखिए यहाँ पर लौकी है और घंघरा बोदी है, इधर भी है। इधर देखिए घर से लाए हैं गंधारी साग, बिना यूरिया डीएपी गंधारी साग है ना? बिना यूरिया डीएपी गंधारी साग है। इसको नहीं छेटा जाता है का, घर में उग जाता है, माने बारी में अपने से बारी में उगता है का। कैसे दे रहे हैं? और यह बाजार दोस्तों बहुत बड़ा बाजार लगता है। और इसमें अभी देखिए इधर हो गया नींबू, हो गया बहुत अलग अलग तरह का नींबू रखे हुए हैं भैया। और इधर है घंघरा बोदी, घंघरा बोदी और यह है भिंडी। कैसे घंघरा बोदी और भिंडी? तो फोटो करे आले से। बताए थे दादी 50 रुपये किलो घंघरा बोदी ना। औरती रांची के रहने वाले हैं और मार्केट से लाए हुए हैं। और इधर देखिए गंधारी साग है और इधर है बादाम, देखिए कांचा बादाम। कैसे दे रहे हैं गंधारी साग और बादाम? गंधारी साग 40 से बादाम 60 रुपये से। 60 रुपये बादाम? हाँ। तो देखिए यहाँ पर 40 रुपये किलो बादाम, बादाम बोलते हैं गंधारी साग, और 60 रुपये किलो है बादाम। चलिए बहुत अच्छा। और बैंगन कैसे दे रहे हैं? बैंगन 40 रुपये से। बैंगन 40 रुपये किलो बैगन, चलिए बहुत अच्छा रेट है। और इधर देखते हैं ये हो गया ओल, ओले है ना? हाँ। कैसे? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो देखिए ओल है, क्या है मस्त। और देखिए उधर है फूलगोभी, कैसे फूलगोभी? फूलगोभी कैसे? 50 रुपये किलो। और ये परवल 80 रुपये। देखिए व्हाइट वाला परवल है का? व्हाइट वाला परवल है। और इधर ये देखिए समाचार में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं केला? 50 रुपये किलो।
भिंडी घर से लाए हैं, घर से लाए हैं तो अभी खाट कर दे से है कच्चा घर से लाए हैं ना, घर से देखिए घर से लाए हैं दोस्त, अभी पका नहीं हुआ ना, कच्चा है ना, कच्चा है गरीब आदमी साथी खेती करके खा जाएला समाचार में देख तो एक व्यस्त बन। और ये क्या है घुंघरा? घुंघरा का है इसको कैथा बोलते हैं, कैथा पहली बार हम देख रहे हैं। कहाँ से लाए सब्जी को? सब्जी बनाते हैं मछली जैसा, मछली जैसा लगता है खाने में। देखिए दोस्तों ये हमको बहुत अजीब गरीब का सब्जी मिल दे किया है मिलने का, ये गोंगरा के जैसा लेकिन पूरा दिया है दिख रहा है नहीं, पूरा कलर तो एकदम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और इधर है टोटी, कैसे टोटी? 40 रुपये किलो। और ये खीरा 20 रुपये अभी का है, 20 रुपये है। और ये बाजार कौन कौन दिन लगता है? यहाँ लगता है शनिवार और बुधवार, शनिवार और बुधवार को। सबसे बड़ा बाजार कौन दिन रहता है? आज ही रहता है, शनिवार है वो ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बाजार शनिवार को दिन ही लगता है। और इधर हो गया प्याज का दुकान और इधर सब्जी का दुकान। प्याज देखिए यार, प्याज कैसे? प्याज 60 रुपये किलो। प्याज तो अभी महंगा है, 60 रुपये किलो अभी दे रहे हैं। कोहरा है और इधर केला है और इधर बादाम भी है और इधर है कलमी साग। कैसे कलमी साग बता दीजिए माथा से? अभी के का दाम बाबू बोलते हैं तो 10 रुपये बंडल है। लेकिन 10 रुपये 10 रुपये बंडल ने। और आप ही का है बोला? कोहरा आप ही का है? कैसे दे रहे हैं? 40 रुपये किलो। देखिए कोहरा दे रहे हैं 40 रुपये किलो, बहुत अच्छा है कोहरा जो कि घर का है दोस्तों, ताज़ा ताज़ा यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग को कोहरा। और बादाम आप ही को होगा ना, कैसे दे रहे बादाम? 50 रुपये। चलिए बहुत, यानी कि जैसा सब तरह का अलग अलग रेट है। सब्जी वाला मार्केट तरफ से घूम चुके हैं और इधर आ चुके हैं हम कपड़ा, जिधर की कपड़ा दुकान लगता है और कपड़ा उपड़ा बेचाता है। यहाँ पर बहुत तरह का जो कि कपड़ा उपड़ा देखने को मिल जाए। भैया बताइए कपड़ा कहाँ कहाँ रेट देते हैं उसको, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो पूछने में भी मुश्किल लग रहा है। 100 से मिल जाएगा, 500, 800, 900 तक मिल जाएगा। कौन कौन सा कपड़ा? जैसा सिरोस्की में आएगा, अभी नया नया देखिए सब नया है, ये सब साड़ी ना आएगा। और कुर्ती सब भी रखते होंगे? कुर्ती सब का क्या रेट है, क्योंकि वो लोग भी बहुत हो गए जो कुर्ती सब भी देखने को पसंद करता है। अस्तर वाला भी है, अस्तर वाला है ना, दुपट्टा के साथ, दुपट्टा के साथ। अब बहुत समय तो दुपट्टा नहीं रहता है ना, दुपट्टा है। इसको कैसे दे रहे हैं? 150 से स्टार्ट। देखिए यहाँ पर 150 से स्टार्ट आएगा ये बाजार। एक कौन जगह आना होगा आपको खरीदने के लिए? बीआईटी मोड़ ना, बाजार में बाजार में। देखिए फिर अलग से फिर प्लाजो आएगा, तो यहाँ पर आ सकते हैं कपड़ा लता खरीदने के लिए, जो कि बहुत ही सस्ता सस्ता सामान मिलता है, यानी कि कपड़ा सब मिल जाएगा आपको। और ये पर आना होगा बीआईटी बाजार में का, बता दीजिए एक बार। अरसलान अंसारी। असलान अंसारी। और आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इरमान, इमरान, 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 मोहम्मद इमरान। और आपका? अच्छा। तो दोस्तों वेज का मार्केट तरफ पूरा घुमा चुके हैं, जितना भी हम लोग सब्जी का भी जितना रेट चल रहा है पूरा हम घुमा चुके हैं। अब चलिए ले जाते हैं जिधर की नॉनवेज मिलता है, यानी कि अभी क्या क्या मिलता है कटने को, उस सभी को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए यह है सखा का दतुन है, सखा का दतुन, ये है सखा पत्ता। तो दोस्तों सब्जी के बाजार तरफ से आ चुके हैं और इधर हम लोग का नॉनवेज का मार्केट तरफ आ चुके हैं। देखिए इधर है छोटा छोटा मछली है, देखिए कैसे इधर है छोटा छोटा मछली? 40 रुपये पाव। 40 रुपये पौआ? फ्राई करेंगे तो जोड़ा नहीं होगा? नहीं होगा ने। और इससे थोड़ा सा बड़ा मछली नहीं रखे हैं? नहीं नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा। देखिए यहाँ पर रुकास लाए हैं तेलपिया मछली, पूरा करिया करिया दिख रहा है तेलपिया मछली। कैसे दे रहे हैं तिलपिया मछली? कितना? 200 रुपये किलो। देखिए तिलपिया मछली दे रहे हैं 200 रुपये किलो, पूरा काला काला दिख रहा है एकदम। यह है छोटा मछली, ये भी छोटा मछली। ये सब मछली का नाम है बता दीजिए एक बार। ये सब गरई है। ये गरई है? हाँ, ये पोठिया है। और ये पोठिया है? हाँ। और उधर वाला सिंघी, यानी कि बलिया। हाँ। देखिए यह है सिंघी, यानी कि हम लोग तो बलिया बोलते हैं। और ये है पोठी मछली। और ये है इसका क्या नाम बताएं? गरई। गरई।
करें मछली। और इधर है रेहू कतला सब रखा हुआ है, मुर्गा का दुकान लगा हुआ है पूरा मस्त से, पूरा सरिया सरिया पूरा रख दिए हैं। देखिए क्या ही मस्त दिख रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? 200 रुपये किलो। देखिए यहाँ पर 200 रुपये किलो दे रहे हैं मुर्गा, पूरा मस्त से पूरा सरिया सरिया रख दिए हैं, और यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक मुर्गा का दुकान है। चलिए अभी जाते हैं अभी और आगे, और यहाँ भी देखिए पूरा सरिया सरिया रख दिए हैं। देखिए कैसे दे रहे भैया? मेरा मुर्गा 160 रुपये किलो है सर। इतना दिया जा रहा है, कहाँ है इतना काम? क्या करे, बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता है ना, धंधा है क्या? पेट का सवाल है, नहीं बेचते जाते हैं, पेट में धागा सी देता है। धागा सी देता है बोल रहे हैं, 160 रुपये किलो दे रहे हैं यहाँ पर, और मस्त से पूरा सरिया सरिया रख दिए हैं क्या? और देखिए यहाँ पूरा सरिया सरिया रख दिए हैं, और ये पचौनी है जो कि छोटा छोटा पचौनी है, और इधर भी पूरा सरिया सरिया रख दिए हैं, और इधर पचौनी बेचते हैं। हाँ ये वाला है 120 रुपये के। 120 रुपये किलो। हाँ ये पचौनी है। इसमें क्या क्या दीजिएगा पचौनी में? पचौनी में चमड़ी है, गर्दन है, और पैर भी दीजिएगा। हाँ पैर भी। देखिए यहाँ पर बीआईटी बाजार में पचौनी है, पूरा रास्ते के किनार में लगता है। और मीट कैसे दे रहे हैं आप? मीट है 240। 240 यानी सबका अलग अलग रेट है मीट। एक तरफ देखिए सो दोस्तों, सब्जी का मार्केट और नॉनवेज का मार्केट तरफ से मैं घुमा चुका हूँ, और आधा पाव ले चुका हूँ, मछली ले चुका हूँ जो कि दोस्तों छोटा छोटा मछली, अभी मैं उसको फ्राई करके खाऊंगा। उधर जिधर की जिधर भुंजवाता है उधर मैं बात कर चुका हूँ, एक दादी है जो कि वही भूंज देंगे मेरा मछली को, फ्राई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी जिधर मछली भुंजाता है उधर ही मैं ले जाता हूँ, और अभी भुंजवा के किस तरह का खाते हैं, किस तरह का यहाँ का टेस्टी लगता है बीआईटी बाज़ार में, उसको मैं अभी टेस्ट करके बताऊँगा। तो चलिए अभी वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं दादाजी के यहाँ आए हैं हम मछली फ्राई करवाने के लिए, जो कि अभी मैं इसको भुंजा के खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मछली फ्राई होने के लिए डाल चुके हैं, और ये गैस का चूल्हा बना रहे हैं जो कि बहुत लकड़ी से थोड़ा सा टेस्टी इसका अलग लगेगा। और ये है मिक्सी मछली, देखिए हम मछली में दे रहे हैं मिक्स मसाला दे रहे हैं। मिक्सी मसाला है का सब मिलल है? फ्राई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है आपका ना? सब चीज देखना पड़ता है, एकदम अच्छा फ्राई करके देंगे। और उधर चना बेचते हैं और अंडा बेचते हैं, और उधर फुलाल चना। एक तरफ पूरा नॉनवेज का मैंने पूरा मीट मछली का पूरा दुकान लगता है का? हाँ तो उधर देख रहे, उधर लगता है मीट मछली का दुकान। इधर है अंडा और इधर चना। अंडा कैसे पीस देते हैं आप? 10 रुपये पीस देते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं भुंजवा के ला चुके हैं चचवा जगह से, और पूरा इधर मस्त लोकेशन में हम आ चुके हैं। इधर है स्टेशन है बीआईटी स्टेशन, जो कि यहाँ का लैंडमार्क है, यहाँ आने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर ही मैं अपना हेलमेट को रख चुका हूँ, और अभी मैं इस मछली को खाऊँगा अभी। सो दोस्तों देख सकते हैं चाचा जगह से हम भुंजवा लिए हैं चिंगड़ी मछली, और इधर 5 रुपये में कचौड़ी खरीद लिए हैं, जो कि देखिए क्या है मस्त दिख रहा है, इसको खाते हैं एक नंबर बस में जाएगा। और चिंगड़ी मछली खा के देखते हैं, फ्राई करने का तो मस्त फ्राई है, लेकिन थोड़ा सा तेल में थोड़ा सा कंजूसी किया है। अब लोकेशन आप लोग देख सकते हैं पीछे तरफ बहुत मस्त है, ट्रेन का पटरी का ऊपर में बैठ कर खा रहे हैं, और ये लोकेशन है बीआईटी, जो कि बीआईटी स्टेशन भी सामने ही पड़ता है। और ये बाज़ार आने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान है, जो कि आप लोग आ सकते हैं रांची से अगर आते हैं तो 15 किलोमीटर की दूरी में, और अगर बूटी मोड़ से आते हैं तो बूटी मोड़ से 3 किलोमीटर की दूरी में, और अगर आप लोग खाने पीने का शौकीन है तो इस बाज़ार आके आप लोग खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगा मछली, थोड़ा सा तेल का कमी लगा। और ये है दोस्तों इसमें मिक्स मछली है, इसमें चिंगड़ी भी है और प्लस के बहुत तरह तरह के इसमें मछली मिला हुआ है। देखिए छोटा छोटा मछली खाने में तो मुर्ग मजा लगता है।